नागपुर एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन और नागपुर महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में अपूर्व विज्ञान मेला का उद्घाटन राष्ट्रभाषा परिसर में हुआ, जिसका महापौर संदीप जोशी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन और नागपुर महानगर पालिका के संयुक्त तत्वावधान में अपूर्व विज्ञान मेले का उद्घाटन राष्ट्रभाषा परिसर में हुआ, जिसका उद्घाटन महापौर संदीप जोशी ने फीता काटकर किया। इस वक्त उपमहापौर मनीषा कोठे, स्थायी समिति सभापति प्रदीप पोहाने और अन्य कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। महापौर ने विज्ञान शिक्षा की ओर किए जा रहे प्रयोग अपूर्व विज्ञान मेले की प्रशंसा की, साथ ही अधिकारियों को जल्द ही रिपोर्ट सौंपने को कहा, जिससे इस मेले को और भी व्यापक रूप दिया जा सके। इसके साथ ही मनपा शालाओं के विद्यार्थियों और शिक्षकों को और भी बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। इन अतिथियों ने मनपा शालाओं के बच्चों द्वारा प्रदर्शित प्रयोगों का निरीक्षण किया, विज्ञान समझने के इस तरीके को क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि प्रयोगों के जरिए विज्ञान के नियम सिखाना उपयोगी है। मेला सभी के लिए ज्ञान वर्धक है। बच्चों ने जिस तरीके से प्रयोगों को समझाया उसे देखकर काफी आश्चर्य हुआ। एक और बच्चे विज्ञान की अवधारणाएं प्रयोगों के माध्यम से समझा रहे थे, तो वही दूसरी ओर देश भर से आए डेलीगेट्स भी अपनी विशेषताओं के साथ ध्यान आकर्षित कर रहे थे। ओरिगामी एंड क्रिगामी मैथमेटिकल टॉयज, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, एकलव्य प्रकाशन की किताबों का भी लोगों ने आनंद लिया। साइंस क्विज के स्टॉल पर बच्चों ने खासी दिलचस्पी दिखाई। इस विज्ञान प्रदर्शनी में सुरेंद्रगढ़ माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका एवं पाठ्य पुस्तक लेखन मंडल की सदस्य श्रीमती दीप्ति बिष्ट इन्होंने जानकारी दी। ये नागपुर महानगर पालिका और बेसिक साइंस एसोसिएशन की ओर से ये 20वां अपूर्व विज्ञान मेला है और यहाँ पर कुल 35 स्कूलों से तकरीबन 240 विद्यार्थी हैं। 130 प्रयोग अलग अलग प्रकार के रखे हैं, जिसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इस प्रकार के हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमको विज्ञान बच्चों को कैसे समझाते हैं, यहाँ पे 5H सिस्टम काम करता है। 5H सिस्टम का मतलब होता है, पहला H होता है H माने हेड, मतलब थिंकिंग कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, सोचिए। दूसरा H होता है हार्ट, हार्ट मतलब डेडिकेशन कीजिए, अर्पण कीजिए और पूरी तरह से लगन होकर काम कीजिए। तीसरा जो एच होता है वो है हैंड, हैंड मतलब आप अपना कौशल्य दिखाइए, स्किल दिखाइए, कार्य कीजिए, जैसे करो, सीखो, देखो, ऐसा होता है। जब ये तीनों एच सिस्टम को हम अपनाते हैं विद्यार्थियों में, तो चौथा एच आता है, उसका मतलब होता है होप, कहीं एक उम्मीद जगती है कि हम जो सीख रहे हैं वो हमको आएगा। और जब ये चारों एच अच्छे से आ जाते हैं तो हमको हैप्पीनेस मिलता है। तो 5H सिस्टम होता है। और सबसे बड़ी बात कि जब विज्ञान की हम बातें करते हैं तो बच्चों में जो उनको उनके किए गए प्रयोगों से जो विज्ञान हमको देखने को मिलता है, तो उसके लिए मुझे चंद लाइनें बोलनी पड़ेगी कि कण कण में है ज्ञान जो, गए अगर पहचान वो, दुनिया अपनी सारी है, ऐसी सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी है। और विद्यार्थी जानते हैं कि धरती को भी नापा हमने, रहस्य चंद्र का जाना हमने, शून्य में भी तैर लिए, अब अन्य ग्रहों की बारी है, ऐसी सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी है। किसी विद्यार्थी के पास जाओगे तो वो हमेशा ऐसे ही बोलेगा कि प्रयोग हमारी फितरत है, खोज हमारी आदत है, दिखने में ये छोटे छोटे लेकिन क्षमता इनकी भारी है, ऐसी सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी है। मैं अपने टीम की ओर से, सभी शिक्षकों की ओर से, सभी मार्गदर्शक की ओर से, हमारे गुरुवर की ओर से, जितने भी उपस्थित यहाँ पर उद्घाटक आए थे, हमारे महापौर जी आए थे, अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में ये जो प्रयोग चलते हैं, अपूर्व विज्ञान मेला चलता है, इसके लिए आप सभी मीडिया वालों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। फ्रेंड्स, मेरा नाम मनदीप कौर विरदी है। मेरे एक्सपेरिमेंट का नाम है गरम करने पर तार फैलता है। आप एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ? सभी पदार्थ गरम करने पर उनमें जो प्रसरण होते हैं वो, यानी प्रसरण होते हैं, तार गरम करने पर भी तार का प्रसरण हुआ, अंतर बढ़ा और तार नीचे गिर गया। प्रसरण यानी फैलना। जब हमने ये तार को लकड़ी फंसा के गरम किए, तार क्या फैल गए, तो डिस्टेंस यानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो वो लकड़ी नीचे गिर गई। थैंक यू। डन गाइस, मेरा नाम रोशन यादव है। मेरी स्कूल का नाम कपिल नगर हाई स्कूल है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है उत्तरायण दक्षिणायन। यह हमारी पृथ्वी है जिसमें हम रहते हैं। ये पृथ्वी दो भागों में बंटी हुई है। विषुववृत्त रेखा के कारण पृथ्वी दो भागों में बंटी चुकी है। ऊपर का जो भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे का जो भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जो विषुववृत्त रेखा है इससे 23.5 डिग्री ऊपर में एक रेखा स्थित है जिसका नाम है कर्कव्रत, और उसी से ठीक 23.5 डिग्री नीचे में भी एक रेखा स्थित है जिसका नाम है मकरव्रत। यह हमारी
अब हम इसमें एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा सूरज है, सूरज सितंबर में निकलता है एकदम बीच से, विषुवृत्त से। उसके बाद धीरे धीरे करके सूरज जाता है ऊपर में, नीचे में जाता है इधर में। 3 महीने बाद सूरज यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ शुरू होता है 22 दिसंबर से शुरू होता है दक्षिण उत्तरायण। उत्तरायण में सूरज ऊपर की दिशा में जाता है, उत्तर दिशा में, इसलिए उसको उत्तरायण कहते हैं। फिर यहाँ से सूरज धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, यानी यहाँ पे 3 महीने में यहाँ आ जाता है सूरज, फिर से विषुवृत्त पर आ जाता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहता है पूरा। फिर यहाँ से सूरज धीरे धीरे करके 3 महीने बाद सूरज और ऊपर जाता है, इधर आ जाता है 3 महीने में सूरज। और 21 जून को उत्तरायण ख़त्म होता है, और 21 जून से शुरू होता है दक्षिणायन। दक्षिणायन में सूरज दक्षिण दिशा यानी नीचे की तरफ जाता है, उत्तरायण में सूरज उत्तर दिशा यानी ऊपर की तरफ जाता है। 22 मार्च का दिन और 23 सितंबर का दिन समान होता है, यानी 12 घंटे का दिन रहता है, 12 घंटे की रात रहती। थैंक यू। वी 24 तास के लिए कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ शैला, नागपुर।